नीमच जिले में जहां एक तरफ कोरोना से मौत की बुरी खबर आई है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से चार लोग शमीन, फरजाना व मोहम्मद जफर और मोहम्मद इरफान स्वस्थ होकर वात्सल्य भवन से अपने घर भी चले गए हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे और SP मनोज कुमार रॉय सहित विधायक दिलीप बापू, ओम प्रकाश सकलेजा, माधव मारू के साथ में तमाम अधिकारी मौजूद भी रहे हैं। जो कोरोना पॉजिटिव थे उनको 10 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद फ्री किया ताकि वो नॉर्मल अपना रहे। मैं प्रशासन को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उनने नीमच में इसको फैलने से पहले रोक के इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके इनको आज स्वस्थ डिक्लेयर करके घर भेज दिया। संदिग्ध के तौर पे आए थे और उनका सैंपल लिया गया था, क्योंकि उस वक्त कंफर्म नहीं था और ये इनके जो डॉक्टर बेटे हैं उन्होंने रेफरल मांगा था बाय रिक्वेस्ट, तो उनको दिया गया था और नेक्स्ट डे उनको लेके गए थे। उनका इलाज चल रहा था पिछले 5 दिन से, आज उनकी सुबह 9:30 बजे डेथ हो गई है। उनका परिवार ऑलरेडी यहाँ पे, उनमें से कई लोग पॉजिटिव आए हुए हैं, तो सारे नीमच में हैं, सारे स्टेबल हैं, उनके परिवार में कोई सी तकलीफ नहीं है। कल भी जो लोग पेशेंट आए हैं उन्हीं के परिवार के जो अस्पताल है उसके नर्सेज और काम करने वाली भाई है, बट सारे ही एसिम्प्टोमेटिक हैं, सारे स्टेबल हैं। तो मुझे मैं आशा कर रहा हूँ कि इनका भी ऐसे ही स्वस्थ परीक्षण करा के उनको उपचार करके हम लोग आगे इनको कोरोना से संक्रमण से मुक्त कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP, नीमच।